Ouais, dans le fond, je suis dément. Dément, démentiel. Ouais, dans le fond, je suis dément. Dément, démentiel. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा। आज हम बात करने वाले हैं जीबी व्हाट्सएप के नए अपडेट के बारे में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आपको व्हाट्सएप को डाउनलोड उसी सेम साइट से करना है जैसे मैंने पहले आपको बताया था। साइट का नाम है official.com, बट official.com को इस तरीके से डैश लगा के आपको सर्च करना है। इस पर आपको जीबी व्हाट्सएप डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा न्यू अपडेट। न्यू अपडेट में क्या क्या चीज़ें आई हैं ये हम जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले हमें व्हाट्सअप जो न्यू वाला जो मैंने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ जीबी व्हाट्सअप उसको ऑन कर लेते हैं। तो ये मैंने इसको ऑन कर लिया है। अब यहाँ पे थ्री डॉट्स दिख रहे हैं, इसमें आपको जीबी सेटिंग्स मिल जाएंगी। जैसे इसमें एक और चीज़ है कि अगर हमें चैट को हाइड करना है तो यहाँ से जैसे हम बेमी प्रो की जो नहीं हमदी का मैडम की जो है चैट को इसको हाइड कर देते हैं। तो थ्री डॉट्स पे जाएंगे, इसके बाद में हाइड चैट पे आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद में आपको कोई भी एक पैटर्न बना देना है यहाँ पे और उसको कंफर्म कर देना है। तो उसके बाद में ये चैट हाइड हो जाएगी। ठीक, तो आप इसमें चैट हाइड भी कर सकते हैं। इसके बाद में आपको थ्री डॉट्स पे और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे जीवी सेटिंग। तो जीवी सेटिंग में आप जाएंगे, इसमें आपको प्राइवेसी का ऑप्शन मिल जाएगा। तो प्राइवेसी के ऑप्शन में आपको वो कैन कॉल मी का फर्स्ट सेटिंग मिल जाता है। फ्रीज लॉस सीन में आपको जो लास्ट सीन है वो किसी को दिखेगा नहीं। ठीक, वो कौन हु कैन कॉल मी, अब यहाँ पे आप कौन आपको कॉल कर सकता है उसको सेट कर सकते हैं। अगर आपको माई कॉन्टेक्ट से ही कॉल करवानी है तो आप माई कॉन्टेक्ट पर जाकर इसको सिलेक्ट कर देंगे तो आपको सिर्फ कॉन्टेक्ट के लोग ही कॉल कर पाएंगे। और अगर आप किसी को जो सिलेक्ट कॉन्टेक्ट्स मतलब आपको कौन कॉल कर पाए तो यहाँ से सिलेक्ट कॉन्टेक्ट्स में भी आप इसको क्लिक करके सेट कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद में हाइड व्यू स्टेटस की सेटिंग मिल जाती है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये जो सेटिंग है इसमें आप अगर किसी का स्टेटस सीन भी कर रहे हैं तो उसको पता नहीं चलेगा। एंटी डिलीट स्टेटस, अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो अगर आप डिलीट कर देते हैं स्टेटस को, कोई डिलीट कर देता है तो भी वो आपके पास में अपीयर होंगी। ठीक, अब एंटी डिलीट मैसेजेस, अगर मतलब अगर आप इस चीज़ को क्लिक कर देंगे तो जो भी कोई अगर मैसेज आपका डिलीट फॉर एवरीवन करता है तो भी आपको वो शो होगा। ठीक, शो ब्लू टिक्स आफ्टर रिप्लाई, अगर आप यहाँ पे इसको क्लिक कर देते हैं तो अगर आप मतलब उसको ब्लू टिक्स दिखाना चाहते हैं तो तभी दिखेगा जब आप उसकी मैसेज को रिप्लाई करेंगे। कॉन्टेक्स में आप जाएंगे, कॉन्टेक्स में आपको बहुत सारी प्राइवेसी मिल जाएंगी। हाइड ब्लू टिक्स, अगर आपको ब्लू टिक्स को छुपाना है। हाइड सेकेंड टिक, अगर आपको कोई मैसेज कर रहा है और उसको सेकेंड टिक को आपको हटाना है तो वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। हाइड ब्लू माइक्रोफोन, अगर कोई मैसेज कर रहा है आपको, सॉरी आपको रिकॉर्डिंग भेज रहा है माइक्रोफोन से, तो आपने अगर वो सुनी तो अगर उसको भी आपको हाइड करना है तो आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। हाइड टाइपिंग, अगर आपको टाइप कर रहे हैं और आपको ये दिखाना नहीं है कि मैं टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ से आप ये भी हाइड कर सकते हैं। हाइड रिकॉर्डिंग में सेम, अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसको हाइड कर सकते हैं। ठीक, तो ये प्राइवेसी की सेटिंग्स हो गई। ग्रुप्स में भी सेम वही है, अगर आप ग्रुप्स के लिए करना चाहते हैं ये चीज़ तो आप यहाँ पे ग्रुप्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है अपडेट, अगर आपको एप्लीकेशन का कोई अपडेट चाहिए तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। लेकिन हमने तो इसको 35 इसका एक नया वर्ज़न आ गया तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं डाउनलोड। ठीक, अबाउट में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि इसको कैसे फ़िक्स करना है, बैन अगर हो जाता है तो उसको कैसे फ़िक्स करना है। थीम्स में आपको बहुत सारी थीम्स मिल जाएंगी, जैसे डाउनलोड थीम्स में जाएंगे आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पे तो आपको बहुत सारी थीम्स मिल जाएंगी। जैसे हम ये थीम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये जो है ना ये वाली थीम हम अप्लाई कर देते हैं। बैक जाएंगे हम तो ये देखिए अभी हुई नहीं अप्लाई, तो आप वहाँ से थीम चेंज कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लग रहा है उसको, डाउनलोड होगी तभी होगी वो अप्लाई। ओके करा आपने,
हाँ ये अब हो गई है शायद, यस। तो ये हो गई है। इसके बाद थीम्स में आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यूनिवर्सल में कलर्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, अगर आपको बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, स्टेटस बार का, नेविगेशन बार का, तो ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। मोड्स में आपको अगर ऐप की लैंग्वेज को बदलना है तो आप यहाँ से ऐप की लैंग्वेज को बदल सकते हैं। जैसे अगर आपको हिंदी करना है तो आप हिंदी भी कर सकते हैं, ठीक। मोड्स में, सॉरी, स्टाइल्स में आपको फ़ॉन्ट की स्टाइल चेंज करने के लिए मिल जाएंगे। जैसे अगर हम ये कर देते हैं, जैसे कि ये कर देते हैं पैसिंग नोट्स, तो पैसिंग नोट्स में हमारा जो है फ़ॉन्ट आ जाएगा। ये देखिए फ़ॉन्ट चेंज हो गया। अब होम स्क्रीन, होम स्क्रीन अगर हम होम को चेंज करना चाहते हैं, होम स्क्रीन को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कलर वगैरह, स्टाइल्स वगैरह, होम स्टाइल अगर आपको चेंज करनी है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जो होम पेज है उसका चेंज हो जाएगा। मोड्स में आप चेंज कर सकते हैं, ठीक। होम स्क्रीन में आपने यहाँ पे देखा था मोड्स में ये ऑप्शन था सेट माय नेम। अगर आपको होम स्क्रीन पे, जैसे अगर आप इसको अभी देखते हैं, आप देख सकते हैं कि जो मेरा जो ये होम स्क्रीन आप देख सकते हैं, यहाँ पे हॉरर जोन ऑफ नाइट आ रहा है, ठीक। और इसका स्टेटस भी दिख रहा है। तो अगर हम जीवी सेटिंग पे जाके, जीवी सेटिंग है, जीवी सेटिंग पे जाके अगर हम होम स्क्रीन पे जाके अगर हम मोड्स में जाकर सेट माई नेम को हटा देंगे तो यहाँ पे व्हाट्सअप आने लगेगा। बैक जाएंगे, ये देखिए व्हाट्सअप। अगर हम इसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ से हटा सकते हैं। कन्वर्जेशन स्क्रीन में आपको कलर्स चेंज करने के लिए मिल जाएंगे। एक्शन बार में कौन सा कलर रखना है, इमोजी बटन के लिए कौन सा कलर रखना है, सैंड बटन के लिए कौन सा कलर रखना है, तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मोड्स में कस्टम वॉलपेपर पर कांटेक्ट, अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो हम हर कांटेक्ट के लिए अलग वॉलपेपर रख सकते हैं। हाइड कांटेक्ट प्रोफाइल पिक्चर, अगर आप उस कांटेक्ट की प्रोफाइल पिक्चर को हाइड करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। हाइड कांटेक्ट नेम, अगर कांटेक्ट नेम को हाइड करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। हाइड कॉल बटन अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से कॉल बटन को भी हाइड कर सकते हैं। पिक्स, पिक्स वगैरह में आप जो है अगर आप कांटेक्ट पिक्चर जो है उसको शो कराना चाहते हैं एवरी मैसेज पे, तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, ठीक। तो ये था, कौन सा सेटिंग था, कन्वर्जेशन स्क्रीन का सेटिंग था। स्टाइल्स में अगर आपको देखो, स्टाइल्स में बहुत सारी सेटिंग मिल जाएंगे। जैसे कन्वर्जेशन टूल बार कैसा रखना है आपको वो कर सकते हैं। बबल्स स्टाइल, जैसे आपको मैसेज भेज रहे हो तो उसमें बबल्स मतलब आपका मैसेज जो है वो किस तरीके से जाएगा। किटी पे क्लिक कर देते हैं हम तो। अब देखिए मैं एक मैसेज भेज के देखती हूँ। जैसे हमने इनको एक मैसेज भेजा, हाय मैसेज किया, तो ये किटी जैसा आ रहा है। ये देख सकते हैं आप, जो है बबल है वो हमारा किटी के जैसा हो गया, ठीक। तो हम इसमें बबल को भी सेट कर सकते हैं, कन्वर्जेशन बबल को। टिक स्टाइल में आप टिक की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको अभी तो ओल्ड VSE है, अगर हम इसको ये कर देते हैं, जैसे हमने ये सेट कर दिया, गूगल वाला सेट कर दिया, ठीक। तो अभी आप देख सकते हैं कि टिक स्टाइल हमारा गूगल वाला हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, गूगल वाला हो गया, ठीक। अदर मोड्स में आपको बहुत सारे मोड मिल जाएंगे। जैसे अगर हम डिसेबल इमेज शेयर्स लिमिट, अगर आप 10 इमेजेस को से ज़्यादा इमेजेस को भेजना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। वीडियो साइज़ लिमिट, अगर आप 700 MB से ज़्यादा की वीडियो भेजना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप भेज सकते हैं। और रेजोल्यूशन भी आप सेंड कर मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितने रेजोल्यूशन में इमेज को भेजना है। तो ये थी जो न्यू अपडेट है इसकी सेटिंग्स। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।